नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। जिस तरीके से हवा दिखाई नहीं देती है, ठीक उसी तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका जो प्रभाव है वो दैनिक जीवन पर अवश्य पड़ता है। क्यों इतना जरूरी है वास्तु, घर बनवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इसी विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आज का विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर बातचीत करेंगे, आचार्य जी से पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप भी सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल भी जान सकते हैं। इसके लिए हमारा जो नंबर है वो हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 01207153826, 01207153787। और चलिए आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे आज के विषय के बारे में जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। आचार्य जी, कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग जो है वो अपने घर में कई बार कुछ महसूस करते हैं नेगेटिव एनर्जीज इस तरीके से, तो ऐसे में कई बार ये भी देखा जाता है कि वास्तु जो है वो ठीक नहीं होता घर का, तो आपसे जानना चाहेंगे कि घर बनवाते वक्त किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि जो नेगेटिव एनर्जीज अगर अट्रैक्ट होती हैं तो उन्हें दूर रखा जा सके और पॉजिटिव एनर्जीज को ही अट्रैक्ट किया जा सके। देखिए, आज का विषय आपने बहुत अच्छा चुना है और वास्तु से संबंधित जिक्र किया है कि चीजें दिखाई देती नहीं मगर अपना प्रभाव छोड़ती है। बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही बात है और यथार्थ भी यही है। जिस प्रकार से हवा में कोई हवा नहीं दिखाई देती है लेकिन वो अपना प्रभाव छोड़ती है, ठीक इसी प्रकार से वास्तु भी अपना प्रभाव छोड़ता है। और वास्तु भवन निर्माण आदि जब होते हैं या फिर मंदिर, जल कुंड, पार्क इत्यादि, नगर नियोजन, नव भवन निर्माण इत्यादि जब किए जाते हैं तो इनको बहुत सुंदर प्रभावी कैसे बनाया जाए, पॉजिटिविटी कैसे वहां रहे, इन सब बातों को लेकर के सही दिशा में काम करे, वही वास्तु है। और देखिए अंकुर जी, वास्तु का पुराणों में भी जिक्र हुआ है कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी ये मिलता है कि वास्तु गरुड़ पुराण, भोज पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंड संहिता इत्यादि का जिक्र पुराणों में रहता है। स्कंद पुराण में 3 अध्याय में बताया है कि मंडप व चित्र कला का वर्णन कैसे हो और जिसमें खास तौर पर मनुष्य रहते हो तो कैसे बनाया जाए। और इसी को लेकर के नारद पुराण में तो यहां तक कह दिया कि आवासीय भवन का वास्तु तो निश्चित अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आवास करने वालों को कष्ट होता है जी। लेकिन वायु पुराण में और लिंग पुराण में पहाड़ पर बनने वाले मंदिरों के बारे में भी जिक्र किया, जबकि पहाड़ पर बनने वाले का तो वास्तु दोष लगता ही नहीं, मगर उसका भी जिक्र किया जी। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा वास्तु शास्त्र की रचना की गई कि जो मनुष्य जिस भूमि पर रहता है, जहां पर घर बनाता है, उसका जीवन कुशल कैसे हो। और इसी प्रयत्न में उन्होंने वास्तु को बहुत महत्व दिया, दिशाओं को महत्व दिया जी। उस घर में जहां रहना है उसके 10 दिशाओं को किस प्रकार से अच्छा रखा जाए, पूजा घर कहाँ बनाना चाहिए, अग्नि का वास कहाँ होना चाहिए, सेप्टिक टैंक किधर होना चाहिए, आपका लेड बाथरूम कहाँ होना चाहिए, मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए, आपका चौक कैसा रहना चाहिए, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के वास्तु में बताया गया। जिस भूमि पर मिट्टी यदि बहुत कोमल होती है या सुगंध या खुशबूदार होती है तो उस भूमि का नाम ब्रह्माणी कहा गया है।
ऐसी भूमि पर आवास बनाना, निर्माण करना, सुख संपद समृद्धि और मानसिक शांति देने वाला भूमि माना गया है। जी अब यहां ऐसी भूमि पर मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला भी बना सकते हैं। जिस भूमि की मिट्टी लाल रंग वाली हो और छूने पर कठोर हो, रक्त सुगंध आती हो, और इस तरह की मिट्टी में क्षत्रिय वर्ण के लिए शुभ मानी गई है। अब जब भूमि हम देखने जाते हैं, भूमि देखते हैं, तो उसमें ये सब चीज देखते हैं। जी जिसकी मिट्टी पीली हो, छूने पर अधिक कठोर नहीं हो और सुगंध अन्य समान सी हो, वो भी बहुत शुभ मानी गई है। जी ऐसी भूमि बिजनेस के लिए बहुत शुभ मानी गई है, क्योंकि वहां लक्ष्मी का वास होता है। जिस भूमि का रंग काला हो, मिट्टी छूने पर बहुत कठोर हो, तो भूमि पर घर बनाना शुभ नहीं होता है। और आयताकार या वर्गाकार, वृत्ताकार या त्रिकोण आकार, अंडकार या सुमकार या गौमुख आकार की जो घन साकार की है, या पंखाकार जैसी अर्धचंद्राकार, मूसलाकार भूखंड यदि हो, तो अलग अलग इसका महत्व होता है। इसमें अलग अलग तरह की चीजें का निर्माण आप होता है। घर बनाते समय भूमि जरूर दिखाएं। भूखंड पर घर बनाने से पहले निर्धारित कर लें कि आपको यहां दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। पहला उत्तर, फिर दूसरा पूरब, तीसरा दक्षिण है, चौथा पश्चिम, पांचवा उत्तर पूर्व ईशान कोण, छठा दक्षिण अग्नि कोण, दक्षिण पश्चिम वायु कोण, ब्रह्मस्थल बीच का, फिर ऊपर आकाश। जिनका घर इस प्रकार से इन दिशाओं को लेकर निर्माण होता है, वो घर घर नहीं, वो स्वर्ग जैसा होता है। जी तो ऐसे में आपने हमारे समस्त दर्शकों को एक भूमि को लेकर के, वास्तु को लेकर के और भवन निर्माण को लेकर के, जमीन को लेकर के, जो उनकी शिकायतें मन में रहती हैं, उसको लेकर के आज ये टॉपिक रखा है। मैं समझता हूं कि सभी दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि भूमि जरूर दिखा के भवन बनाना चाहिए, और उसकी 10 दिशाओं का ध्यान रखते हुए कौन सी दिशा किसकी है, उस पर वही चीज बनाते हुए और फिर निर्माण किया जाए, तो रहने वाले का और आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो जाता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपसे एक और यहाँ पर कन्फ्यूज़न है और कई बार सुना जाता है इसको लेकर भी कि लोग बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। आपने जैसा कि बताया कि जो भूखंड है वो दिखाना चाहिए, वहाँ की मिट्टी कैसी है वो भी दिखाना चाहिए ताकि पता चल सके कि वो शुभ है या नहीं। इसके साथ ही कई बार ये भी देखा जाता है कि कई प्लॉट्स जो है वो चौकोर होते हैं, लेकिन कई बार प्लॉट्स को त्रिकोण में भी जो है होता है वो काट दिया जाता है, त्रिकोण उसका कहे तो ट्राइंगल के शेप में। तो ऐसे भी ये कहा जाता है कि जो ट्राइंगल के शेप में भूखंड होते हैं उस पर भवन नहीं बनाना चाहिए। इसको लेकर क्या मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ट्राइंगल पे जो भूखंड होते हैं उस पर शुभ होता है घर बनाना या फिर नहीं बनाना चाहिए? देखिए, ट्राइंगल में घर बनाना बिल्कुल अशुभ होता है, बिल्कुल अशुभ होता है। मतलब वो कहीं भी किसी भी एंगल से ठीक नहीं होता है। जी उसका कारण क्या है कि रहने वाले ऐसे प्लाट पर घर बनाएं जो सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा बढ़ाए। वास्तु के अनुसार त्रिभुजाकार प्लाट पर मकान बनाने से उसमें रहने वाले लोगों का तमाम तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे प्लाट में मकान बनाने से लोगों की मानसिक तनाव हो जाता है, और आप मान के चलिए कि वो कहीं कहीं किसी भी सरकारी पीड़ा में बसता है, और बहुत उसको चक्कर लगाने पड़ेंगे सरकारी पीड़ा के। तो इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि जब भी घर बनाएं तो चौकोर भुजा वाला घर हो, चौकोर वाला प्लॉट हो। और आप मानिए कि क्योंकि गाढ़ी कमाई से मेहनत करके मकान बनाया जाता है, जीवन में मकान बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, जी वो गोलाकार ना हो, ट्राइंगल ना हो, जी चौकोर रहे तो ज्यादा अच्छा है। जी और विशेष तौर पर त्रिभुजाकार प्लॉट का तो बिल्कुल भी घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो कंकाली
उस घर में कंगाली जैसी स्थिति बन जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है, तमाम प्रकार की परेशानियां उसको घेर लेती है। जी ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, तो एक बड़ा कंफ्यूजन जो है वो आपने यहाँ पर दूर किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो जानकारी जो आप बता रहे हैं, उम्मीद है हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे, मददगार होंगे। इसके साथ ही आचार्य जी हमारे साथ दर्शक जुड़ा भी शुरू हो चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। गुरु जी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी स्वागत है आपका, जी बताइए। जी मैं सर हमारे बड़े भाई साहब के बच्चे के लिए पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने मेरा उद्धार किया, जो उपाय किया वही कारगर हुआ, तो वो कहते हैं मेरे लिए भी कोई ऐसा ही उपाय बताओ। तो गुरु जी आपको तो मैं किस एहसान किया चुका हूँ जितना आपने मेरे लिए किया है। ये मेरे भाई साहब के बच्चे हैं, इनका नाम है कृष्ण मुरारी, डेट ऑफ बर्थ है 23/4/1983, शनिवार है उस दिन, और जन्म का समय है सुबह 6 बजे, और जन्म स्थान है कोटपुतली जयपुर। गुरु जी इन्होंने जो भी काम किया है सब में नुकसान ही नुकसान हुआ है, और बड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी पति पत्नी में भी नहीं बनती, तो इनका काम आगे से बढ़िया, कारोबार चले, सब कुछ अच्छा हो, उसके लिए कोई उपाय बताइए वही गुरु जी। देखिए अंकुर जी, हमारे ओम प्रकाश जी का आपने सुना कितना मधुर विनम्र स्वभाव से अपनी बात को कहे गए, और दिल जीतने वाली बात यह है कि सभी लोगों को हम बार बार एक आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप वो बताए गए उपायों को आप यदि आत्मसात करते हैं, उसको आचरण में लाते हैं, तो आज जैसे ओम प्रकाश जी गदगद हो रहे हैं, और उनका कहना है कि जो मुझे कार्य सफलताएं मिली हैं, जिस मुकाम पे मुझे सफलताओं के साथ में आपने बढ़ाया है, उसका एहसान मैं किन शब्दों में कर सकूं, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं कैसे आपका एहसान चुकाऊं। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं कि जीनी राजस्थान की समस्त टीम का और जीनी राजस्थान का आपने शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद कहा, यही सबसे बड़ी हमारे लिए प्राप्ति है, और सब दर्शकों के लिए हम ऐसा ही चाहते हैं। और ब्रदर की जहां तक बात है, तो ब्रदर को मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिदिन एक बहुत छोटा सा कार्य करना शुरू करें। इन सबसे प्रथम तो इनको अपने घर में पानी में नमक की डली डाल करके और पोंछा लगवाना शुरू करें, गुरुवार को और शनिवार को ना लगाएं, और संध्या के समय गूगल धूप जलाएं, लोबान नहीं जलाएं। कई लोग लोबान जलाते हैं, लोबान घर में नहीं जलाना चाहिए, आप गूगल धूप लाइए वो जलाइए, अवश्य आपको काफी धीरे धीरे ठीक दिखाई देगा। एक साथ कोई भी चीज तब्दील नहीं होगी, लेकिन एक बार आप ये करिए, अगली टिप्स में मैं आपको फिर तीन चरण में आपको चीजें बताएंगे, क्योंकि आप भी हमारे साथ कम से कम साल भर से, 2-3 साल से, बल्कि 4-5 साल से आप जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको आज ये आनंद महसूस हो रहा है। तो आप प्रभु इनको शुरुआत ये कराइए, फिर अगले टिप्स में, अगले चरण में इनको और बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है, आप बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आचार्य जी से। गुरु जी राम राम जी। राम राम जी। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी गुरु जी आपके उपाय कर रही हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है, मुझे पड़ा भी थोड़ा सा रह गया है पाँव में, तो कमर में वो भी ठीक हो जाएगा। और गुरु जी मैं ना आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब भी पूजा करने बैठती हूँ तो मुझे ऐसे जल दिखा जाती है। गुरु जी वो मेरी अपने घर की है, जहाँ कोई अपने घर खरीदा के उनके घर की देवी है, मुझे ये बताना मैं कैसे उनकी पूजा करूँ जो माँ मेरे पे जल्दी प्रसन्न हो जाए। देखिए माँ की पूजा के लिए सबसे प्रथम तो बहन आपका स्वभाव तो वैसे मुझे ठीक लग रहा है, बहुत मधुर स्वभाव, विनम्र वाणी रहनी चाहिए, और चूंकि भावे ही देवा विद्धि तस्मात भावे ही कारणम, भगवान भाव के भूखे होते हैं, और अंकुर जी जिनका भाव अच्छा होता है उन्हें अपन जानते हैं कि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पूजा में श्रद्धा और भाव बहुत बहुत महत्व रखता है, इसलिए आप ये करें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी, और आप किसी भी तरह से टेंशन ना करें, लेकिन मातेश्वर की पूजा में आप शुद्ध जल लेकर के छींटे मार करके
और पाटे को चाप करके फिर आसन दे करके माँ को बिठाएं, पूर्व में आपका मुख हो, लाल चुनरी उड़ाएं और माँ की श्रृंगार और 16 श्रृंगार की चीजें अर्पण करें, और उसके बाद प्रतिदिन लाल फूल चढ़ाएं और दीपक रखें और फिर अपना पाठ करें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। और संध्या को आरती जरूर करें, बड़ी मंगल शुभकामनाएं आप। जी बिल्कुल। हाँ, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ, सुजानगढ़ से। जी बहुत स्वागत है अंकुल सुरेंद्र जी, नमस्कार। अंकुल जी आपको नमस्कार। जी जी नमस्कार आचार्य जी, आपके चरणों मेरा सरस्वत नमस्कार है। जय आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। मैं पूछ रहा हूँ आचार्य जी, मैं सुबह गणेश जी के 21 नाम से पूजा करता हूँ, तो वो कैसी रहती है और उसे कैसे और बढ़ाया जाए, इसके बारे में बताएं। देखिए बहुत अच्छी बात है, पूजा में सर्वप्रथम जो है गणपति की ही पूजा से शुरुआत होना चाहिए, और आप चाहे देव देवताओं का पूजन कर रहे हो लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम करके किसी भी हवन शुभ कार्य की शुरुआत या अपनी दैनिक पूजा की शुरुआत गणपति से होती है, उस व्यक्ति का कोई भी जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें सफलताएं छूने लगती हैं। और आप ये ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य तब से माना गया जब से कि उन्होंने देवताओं की एक प्रतियोगिता में धरती के बजाय अपने माता पिता की परिक्रमा करके एक आदर्श स्थापित किया किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान गणेश की पूर्व किसकी प्रथम रूप से पूजा होती है? आपको शायद मालूम नहीं है। दरअसल में हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को सर्वोच्च माना गया और सभी देवी देवताओं को उनकी पूजा और उनकी अर्चना करने का आता है, नहीं ईश्वर के बाद देवताओं का नंबर आता है, और देवताओं में सबसे पहले देवा देवों के देव महादेव की पूजनी माना गया है। लेकिन हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही पंचदेवों की पूजा का प्रचलन है, और पंचदेवों में सबसे पहले सूर्य की पूजा का प्रचलन है, जी। बाद में प्रचलन हुआ कि पंचदेवों के क्रम में गणपति की प्रथम पूजा होगी, इसे सर्वप्रथम सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए और फिर आप गणपति की पूजा करें तो आपके लिए ठीक रहेगा, बड़ा शुभ मंगल शुभकामना है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, चलिए ठीक है आचार्य जी, दर्शकों से बातचीत हो गई है, अब रुख करते हैं राशियों की तरफ। आज की राशिफल क्या है वो भी बता देते हैं। आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों के मन में काफी उतार चढ़ाव रहने वाला है, वहीं व्यर्थ के क्रोध वाद विवाद से आज आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता पिता का साथ मिलेगा, शैक्षणिक कार्यों में सुखद परिणाम आज आपको प्राप्त हो रहे हैं, आज खर्चों में काफी वृद्धि रहेगी, लंबी यात्रा पर जाना हो सकता है, वहीं धन की प्राप्ति आज आपको हो रही है। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं अगली राशि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के संपूर्ण जातकों को आज आत्मविश्वास से आप भरपूर नजर आएंगे, परंतु धैर्यशीलता में कमी हो सकती है, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद आज आपके रह सकते हैं, नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे, आय में वृद्धि होती है, वही आज भाई बहनों का सानिध्य एवं सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, शैक्षणिक कार्य में व्यवधान आज आएंगे, आज क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए, कारोबार में परिश्रम आज अधिक रहने वाला है, स्वास्थ्य के प्रति आज सचेत रहें, खर्चों में वृद्धि होगी, संचित धन में कमी आज आ सकती है, श्रेय रुष्टा श्रेय तुष्टा मनोस्थिति आज रहेगी, पठन पाठन में आज आपकी रुचि बहुत रहती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले
संपूर्ण लोगों की। आज आपकी वाणी में बड़ी मधुरता नजर आ रही है, परंतु मन बहुत परेशान रहे हैं। क्रोध से बचना चाहिए, आज धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयत्न करें। पारिवारिक समस्याओं में आज कमी आएगी, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आज कहीं यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। और वही हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों की। मन प्रसन्न रहेगा, कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य आज बन पाएंगे। वहीं आज नौकरी में तरक्की के अवसर मिल रहे हैं। आज वस्त्र उपहार में प्राप्त हो रहे हैं, आत्मविश्वास में कमी आएगी। माता के स्वास्थ्य में आज आपको ध्यान देना है। और भाई ये बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों की भी। धैर्यशीलता में कमी हो सकती है, परिवार का साथ मिलेगा, कारोबार में वृद्धि के लिए भागदौड़ अधिक रहेगी, यात्रा खर्च बढ़ सकता है, व्यर्थ के बाद विवाद से दूर रहना पड़ेगा, किसी राजनेता से भेंट आज हो सकती है। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव आज बनाए रखें। और अब आइए बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों की। मानसिक शांति रहेगी, परंतु आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। आय में कमी एवं खर्च अधिक बनेगा, किसी मित्र के से धन प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी भावनाओं को वश में बनाए रखें, भवन सुख में वृद्धि होगी। और अब आइए बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आत्मविश्वास बहुत रहेगा, मन भी परेशान हो सकता है। नौकरी में अफसरों से व्यर्थ के बाद विवाद से बचना चाहिए। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, बौद्धिक कार्यों में सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। और भाई बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज पाठन में रुचि रहेगी, लेखन आदि बौद्धिक कार्यों से मन सम्मान प्राप्त हो रहा है, शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, पठन पाठन में रुचि रहने वाली है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। मन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रहन सहन व्यवस्थित हो सकता है, रोजाना की भागदौड़ भी अधिक हो सकती है, खर्च भी बढ़ेंगे। आज मानसिक शांति के प्रयास में आपको आध्यात्मिक बनना होगा। और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी लोग। आत्मविश्वास में आज थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, कारोबार पर ध्यान दीजिए, कठिनाइयों का सामना आज करना पड़ सकता है, किसी मित्र का सहयोग आज प्राप्त हो रहा है, आय के साधन बनेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो रही है, घर परिवार में धार्मिक कार्य आज होंगे। और आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले। आत्मविश्वास बहुत बना रहेगा, परंतु मन परेशान हो सकता है। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आज मिल सकती है, परिश्रम अधिक रहेगा, सेहत का ध्यान रखें, क्रोध के अतिरिक्त से बचना चाहिए। परिवार में आपसी मेलजोल आज रहने वाला है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल आचार्य जी, आपने दर्शकों को बता दिया है आज का राशिफल, कैसा उनका दिन रहने वाला है, क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना होगा। आचार्य जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद, श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें राजस्थान के साथ। नमस्कार।